बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल थ्री के सोशल स्टडीज के बारे में। लेवल थ्री सोशल स्टडीज आप लोगों का सेकेंड टर्म सिलेबस स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर टू चैप्टर नंबर वन। यूनिट नंबर टू चैप्टर नंबर वन पहले बच्चों आप लोग इसकी रीडिंग कर लें, पेज नंबर 11 to 13। इस चैप्टर का जो टॉपिक है द वेदर एंड इट्स इफेक्ट्स। Weather, as you know, that the conditions around you in any one time. आपके इर्द-गिर्द का जो भी माहौल है, अगर आप बाहर देखें, अगर आपसे पूछा जाए what is the weather today, तो आप देखेंगे कि आज today is sunny, सूर्य निकला हुआ है, गर्मी है। जब आप रीडिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत से ऐसे न्यू वर्ड्स देखने में आएंगे जो आप लोगों ने पहले से आप उनके बारे में नहीं जानते। कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स हमने भी आप लोगों के लिए लिखे, अफेक्ट, असरार, फ्लड, सैलाब, डिस्ट्रॉय, तबाह करना, लेक्स, झीलें, वेपर, बुखारात, फ्लोट, तैरना, प्लेंटी, कसरत, किसी चीज की ज्यादती, स्नोफ्लेक्स, बर्फ के गले। तो सबसे पहले चैप्टर में जो सबसे मेन चीज है वो है वेदर। व्हाट इज वेदर? Weather is the name of changing conditions around us at any one time. जब हम वेदर की बात करते हैं तो आपको पता है कि एक वक्त में एक ही मौसम होगा, या तो हम देखेंगे बाहर बादल आए हुए आसमान पर काले स्याह, या तो बारिश का मौसम होगा, या अगर बहुत सर्दी है तो स्नो बर्फबारी हो रही होगी, या बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी। तो ये वेदर की डिफरेंट कंडीशन है जो आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी, क्लाउडी, क्लाउड, रेन, स्नो, विंड। सबसे पहले हम क्लाउड को डिस्क्राइब करेंगे। When the water in the oceans, river and lakes is warmed by the sun, it changes into water vapor which rises in the air. As it rises, the water vapor cools and changes into water droplets and tiny pieces of ice which form the clouds. बादल कैसे बनते हैं? आप लोगों ने रीडिंग में पढ़ा कि जब सूरज से दरियाओं का, झीलों का, समुद्रों का पानी बुखारात बनकर ऊपर उठता है तो ये ऊपर हवा में शामिल हो जाता है और बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। योर सेकंड कंडीशन इज रेन। व्हेन क्लाउड्स आर टू हैवी द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज रेन। रेन वाटर फाइंड इट्स वे बैक टू रिवर्स एंड लेक्स वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ रेन। Crops grow well and we have plenty of water for our daily use. जी, रेन के बारे में आपने क्या पढ़ा? जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की शक्ल में, जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे गिरने लगते हैं तो हम कहते हैं ये बारिश है, इट्स रेन। और बारिश आप लोगों को पता है कि हमारी फसलों के पकने के लिए इसका पानी, बारिश का पानी बहुत मुफीद होता है फसलों के बढ़ने के लिए और हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए। जो बुखारात सूरज की रोशनी से हवा में शामिल होते हैं, दोबारा बारिश की शक्ल में यही पानी दरियाओं में, समुद्रों में और झीलों में वापस लौट आता है। अब हम बात करेंगे हमारे वेदर की थर्ड कंडीशन स्नो के बारे में। स्नो क्या है? इन विंटर ऑन टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स द वाटर वेपर इन द क्लाउड फ्रीजेस एंड फॉर्म्स आइस क्रिस्टल। दीज जॉइन टूगेदर एंड फॉल टू अर्थ एज स्नोफ्लेक्स। सर्दियों में बहुत ज्यादा पहाड़ों पर आपने देखा होगा, हम सुनते हैं कि लोग मरी जा रहे हैं। लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मरी क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे बर्फबारी देखने को मिलती है। ये बर्फबारी या बर्फ के गाले या स्नोफ्लेक्स क्या होते हैं? वाटर वेपर की हमने बात की। जब सूरज की गर्मी से दरियाओं का, समुद्रों का, झीलों का पानी वाटर वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है, बादलों में जाकर जब इतनी हवा में सर्दी बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है सर्दी की, तो क्या होता है, यही वाटर वेपर ऊपर जाकर फ्रीज हो जाते हैं और बर्फ की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। ये स्नो बाज़ार इससे बहुत सी मुश्किलात भी पेश आती है गाड़ियों के आने जाने के लिए। रोड पर अगर बहुत ज्यादा स्नो गिर जाए तो क्या हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और इससे क्या होता है, अगर फसलों में बहुत ज्यादा स्नो पड़ जाए उससे भी हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाती है। हमारे एल की चौथी कंडीशन है नंबर फोर, विंड। विंड की अगर हम बात करें, वी कैन नॉट सी द एयर बट इट इज ऑल अराउंड अस, इट नेवर स्टॉप्स मूविंग, समटाइम इट ब्लो एज अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड वी से द वेदर इज विंडी।
और व्हेन द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉबिंग, व्हेन इट इज विंडी आर लॉन्ग्री ड्राइज फास्टर, वी कैन फ्लाई काइट्स, सी सेल बोट्स, मूव फास्टर। जो फोर कंडीशन है ये भी हम आती है हमारे मौसम की, जो फोर कंडीशन है समटाइम ये बहुत स्लो होती है तो हम कहते हैं मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी और ठंडी घनी महसूस हो रही है, लेकिन जब यही विंड यही हवाएं शिद्दत अख्तियार कर लेती है तो हम क्या कहते हैं कि तूफान आ गया है, और यही तेज हवाएं हमारे लिए हमारी फसलों के लिए भी नुकसान का बाइस बनती है। जी बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में अपने वेदर के बारे में पढ़ा, वेदर की डिफरेंट कंडीशन के बारे में पढ़ा। आप इसकी अच्छी तरह रीडिंग करें, इनके वोकैबुलरी वर्ड्स याद करें, वेदर की डेफिनेशन याद करें, इसकी कंडीशंस को अच्छी तरह पढ़ें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।